आप देखिए कि ये अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बनाया हुआ विशेष घाट जो है, इसे कहा जाता है छठ घाट। पहली बार ये गुजरात सरकार ने 11 करोड़ रुपए खर्च करके इस घाट का निर्माण किया है। अहमदाबाद महानगर पालिका की जो टीम है वो भी इसके अंदर जुड़ी हुई थी और इस सुंदर घाट को 11 करोड़ रुपए के खर्च पर निर्माण किया गया है। देखिए तस्वीरों में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से छठ पूजा का प्रारंभ जो है आज गुजरात में सिर्फ दो ही दिन मनाया जाता है, आज और कल, तो आज इस पूजा का प्रारंभ यहां पर हो चुका है। और ये जो घाट है, इस घाट पर मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने उपवास किया है और जिनके परिवार से लोग जो आए हुए, खास करके उनके साथ हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से ये घाट का निर्माण किया गया है और आप भी आए हैं, आपकी वाइफ भी इस उपवास को कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहली बार इस सुंदर घाट का निर्माण है। सचमुच बहुत ही धन्यवाद देता हूं गुजरात सरकार को और अहमदाबाद नगर पालिका को, कितना खूबसूरत घाट उन्होंने तैयार किया है, जिससे जो भी पूर्वांचल के लोग और जो छठ व्रती हैं यहाँ पे पूजा करते हैं उनके लिए बहुत ही सुविधा हुई है और बहुत ही अच्छे तरह से पूजा कर सकते हैं। ये हमारे पूर्वांचल के लिए एक बहुत ही बड़ा महान पावन पर्व है और आज इस तरह के व्यवस्था देख के हमें सचमुच बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और अगर आप पिछले साल की भांति इसको अगर आप कंपेयर करें तो इस बार की जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है और हम सबको काफ़ी हर्ष हो रहा है और काफ़ी खुशी हो रही है। और एक बहुत ही सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमें पूजा करने का मौका मिला है। मैं फिर से एक बार इस पावन पर्व पे हम सभी पूर्वांचल की तरफ से पूरे देशवासियों को इस छठ पर्व के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। देखिए ये जो हमसे बात कर रहे थे, इनकी भी धर्मपत्नी ने यहाँ पर ये उपवास किया है और विशेष प्रकार से जिस तरह की पूजा अर्चना की जो सामग्री लाई जाती है, उस तरह से जिस तरह से बिहार में जिस तरह से इस पर्व की धूम देखी जाती है, उसी तरह से गुजरात भी कहीं बाकी ना रह जाए तो उसका खास ध्यान दिया गया है और छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। कुछ देर के अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और बिहार के उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी हैं वो इस घाट पर आएंगे और इस घाट का लोकार्पण करेंगे और एक छोटी सभा है उसे भी संबोधित करेंगे। बिल्कुल अमित, कुछ दिनों पहले ये देखा गया था कि गुजरात में जो बिहारी हैं वो लोग बहुत सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे और ऐसी बातें सामने आ रही थी कि लोग वहां से इधर आ रहे हैं, बिहार की तरफ आ रहे हैं, तो उस लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? लोग अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि पूरी व्यवस्था है, पूरा इंतजाम है, श्रद्धा के साथ वो ये पर्व मना सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ दिनों पहले जिस तरह के हालात गुजरात में खड़े हुए थे और कुछ दंगाई लोगों ने जिस तरह से गुजरात की शांति को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया था, उसी का जवाब आज गुजरात के इस घाट से मिल रहा है। उन लोगों को ये जवाब मिल रहा है कि जिन लोगों ने गुजरात की शांति और एकता को खंडित करने का प्रयास किया था, सुरक्षा के इंतजाम और खास करके गुजरात सरकार की तरफ से, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की तरफ से परप्रांतीय नागरिकों को विश्वास दिलाया गया था कि आप कहीं ना जाएं और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो गुजरात सरकार की है, और उसी का जवाब आज ये अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे पे बनाया हुआ ये घाट जो है छठ घाट, हालांकि ये छठ घाट के साथ साथ इसे अन्य समाज के लोग और अन्य विधियों के लिए भी इसका उपयोग किया जा सके, उस तरह का मल्टीपल आयोजन राज्य सरकार ने सुंदर तरीके से किया है। और आज जवाब जो है उन दृश्यों में देखा जा सकता है जिन लोगों ने गुजरात की शांति और व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया था। एकता और सद्भाव के बीच छठ महापर्व की शुरुआत क्या बात करें, गुजरात की क्या बात करें, बिहार की क्या बात करें, झारखंड, कोई भी प्रदेश हो, हर तरफ ये जो एकता है, ये जो प्यार है, इस पर्व के रूप में देखने को मिल रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये समझना गलत नहीं होगा कि ये त्योहार अब बिहार और झारखंड तक नहीं रह गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, अमेरिका के शहर की भी हमने तस्वीर दिखाई है, ये त्योहार अब हर तरफ है क्योंकि लोग जुड़ते जा रहे हैं और कारवा। लेकिन हाँ, रौनक में थोड़ा बहुत फर्क जरूर होता है क्योंकि जो चीज जहाँ की है, जो ओरिजिन है, जो वजूद है, वहाँ भव्य तरीके से इसको मनाया जाता है। लेकिन अब जो है भारत में लोग बिहारी हो गए या झारखंड के लोग हो गए, क्योंकि पहले बिहार झारखंड एक हुआ करता था, बंगाल एक था, उड़ीसा था, तो हर जगह ये लोग रहते हैं, तो वहां वहां मनाते चले गए और जहां जहां पर ये लोग गए, बस गए, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी वहां पर आगे बढ़ती चली गई और पीढ़ियां जब आगे बढ़ी हैं तो ये परंपरा भी आगे बढ़ता चला गया वहां।
और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी अमित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर आप जो परिवार वाले हैं छठ व्रतियों के, उनसे अगर बात कर पाए और ये पूछे कि उनके लिए बिल्कुल ये खास मौका होता है, कहते हैं कि इस व्रत में सब एक साथ आ जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, पूरा परिवार एक एक जिम्मेदारी निभाता है जिससे छठ व्रती को कोई दिक्कत ना हो, तो उन्होंने क्या जिम्मेदारी इस बार निभाई है, जरा ये पूछिए। बिल्कुल, ये जो व्रत करने वाले जितने भी परिवार के लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको एक दृश्य बताना चाहूंगा, जिस तरह से मेरे कैमरा पर्सन हर्ष को कहूंगा कि दर्शाएं, देखिए कि जो आप ब्रिज देख रही हैं, बिल्कुल ये पुल जो है ये गांधीनगर की तरफ जाता है और बिल्कुल इस पुल के नीचे इस सुंदर घाट का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ जो व्रत करने वाले कुछ परिवार के लोग हैं उन परिवार के साथ भी हम बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी उनके तरफ से की गई है, किस तरह से विशेष प्रकार से इन्होंने आयोजन किया है। माता जी, आप बताइए छठ पर्व के लिए किस तरह से तैयारी करी है आपने और क्या विशेष आज यहाँ पर पूजा अर्चना आप करने वाली? छठ जो है वो एक ऐसा त्योहार है जो सभी धर्म के लोग मनाते हैं और मैंने देखा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख सबको मनाते हुए मैंने देखा है, तो बहुत ही भाईचारे का त्योहार है। इसमें घर में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। कार्तिक के महीने में जो है वो लोग लहसुन, प्याज, अदरक खाना बंद कर देते हैं, मीट, मुर्गी जो भी हम मानते हैं वो बंद कर देते हैं। और एक दिन खरना का होता है, खरना के पहले कद्दू भात होता है जिसमें लौकी और चना दाल और भात यही खाया जाता है एक टाइम। उसका अगला दिन जो होता है वो खरना का होता है, जब खीर पूरी बना के खाते हैं और अगर हो सके तो चूल्हे पे हम रोटी बनाते हैं और उसके बाद हम खीर पका के खाते हैं। आज शाम का अर्घ है जो हल्दी और पानी से हम सूर्य भगवान को नमन करते हैं और अगला दिन कल जो होगा वो है सूर्य देवता को हम दूध से नमन करते हैं। और गुजरात में जिस तरह से पहली बार इस सुंदर घाट का निर्माण किया गया है, तैयारियां पूरी करी हैं आज पूरे उत्साह के साथ, बिहार की तरह ही यहां पे करेंगे? मेरे को लगता है कि बिहार से ज्यादा तैयारी की है यहां पे, वहां जनरली तालाब में लोग मनाते हैं। मैं यहां के चीफ मिनिस्टर रूपानी जी, यहां के एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आप सभी मीडिया वालों को जो लोगों तक पहुंचाएंगे, जी टीवी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन अरेंजमेंट है, बहुत सेफ्टी का ध्यान रखा गया है और क्लेनलीनेस का। और मैं एक छोटा सा बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह आपके गुजरात में सौराष्ट्र है उसी तरह बिहार में सौराष्ट्र का मेला लगता है, तो जरूर बिहार और गुजरात में एक बहुत स्ट्रांग लिंक है जो कि लोगों को पता करना चाहिए कि लिंक क्या है। ये बहुत बहुत एक लिंक है। आपने किस तरह से, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, कितनी खुश हैं, कितना उत्साह है? ज्यादा खुश हूँ। पिछली बार आई थी तो केवल नदी के किनारे बैठ के किया था, इस बार बहुत अच्छा घाट बन गया है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुविधा है ये। देखिए ये बिल्कुल सारा जो माहौल है, जिस तरह से थोड़ा सा और आगे जाएंगे, कैमरा पर्सन हर्ष को कहूंगा कि थोड़ा आगे आएं, देखिए जिस तरह से तैयारियां और जिस तरह से शुरुआत हो चुकी है, हम आगे से आके इस दृश्यों को बताना चाहेंगे कि कितना उत्साह और उमंग जो है वो यहाँ पर व्रत करने वाले हरेक नागरिक के चेहरे पे, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी के चेहरे पे दिख रहा है। और जिस तरह से इस व्रत की शुरुआत जो है वो गुजरात में हो गई है और कहीं ना कहीं इस खुशी के अवसर पर इन लोगों से भी हम बात करेंगे कि किस तरह से तैयारियां की हैं, किस तरह से पूरी खुशी है, इन लोगों से हम बात करना चाहेंगे। मैं कैमरा पर्सन हर्ष को कहूंगा कि जो उपवास करने वाले जो कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे, किस तरह से आप तैयारियां करके आए हैं और कितनी खुशी है आज इस घाट को देखें। आप बताइए कि ये पूजा में आज क्या क्या करने वाली हैं आप? ये मेरे सामने कुछ शर्म है लेकिन और भी लोगों से हम बात करेंगे। बहन जी आप बताइए किस तरह से तैयारियां जो हैं यहाँ पे की गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का उत्साह है और माहौल जो है, घाट आज छोटा पड़ रहा है, पहली बार बना है लेकिन पब्लिक बहुत है, आप किस तरह से तैयारी करके आई आज पूजा के लिए? हम लोग तो जैसे पहले आते थे उसी खुशी से आए, घाट छोटा पड़ रहा है लेकिन हमको पूरी आशा है कि इससे भी बड़ा बनेगा ये घाट, क्योंकि इतनी ज्यादा पब्लिक है कि इसमें थोड़ा सा समाना मुश्किल है। व्रती एक होते हैं, उसके साथ 20-25 लोग साथ में होते हैं, तो इतना महत्वपूर्ण और इतना महापर्व है ये कि इसके लिए ये घाट तो कम लगता है। तैयारियां किस तरह से की हैं? तैयारियां
व्रत की, व्रत की तैयारियां तो यह 3 दिन का मेन व्रत होता है जिसमें खरना होता है। खरना में खीर बनाते हैं, पूरे अपने परिवार के लिए लोग शुभेच्छा के लिए काम करते हैं। फिर सजिया अर्घ होता है और भोरवा अर्घ। जो व्रती होती है वो पानी भी नहीं पीती है और पूरे 3 दिन का ये महापर्व है हमारा। आपके यहाँ से किसने व्रत किया है आज? यहाँ से मेरी दादी ने किया है। तो देखिए, कैमरा पर्सन हर्ष को कहूंगा कि ऊपर से थोड़ा सा और दृश्य दिखाएं, जिस तरह से आज, जिस तरह से ये माहौल, जिस तरह से घाट का देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये उत्सुकता और ये उमंग जो है, और जितनी, इतना अंदाजा नहीं था कि इतनी संख्या में लोग इस घाट पे होंगे, लेकिन आज ये घाट जो पहली बार बना है, जिस तरह से यहाँ पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है, बिहार और प्रांतीय उत्तर पूर्वांचल के लोगों का, सुरक्षा के विशेष इंतजाम आपको मैं बताना चाहूंगा। देखेंगे आप, यहाँ पर पुलिस हो या महिला पुलिस हो, सारे लोग तैनात हैं। सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है आपकी? 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था है। सबसे पहले आगे एंट्री गेट है, वहाँ से दूसरा बैरिकेड है, वहाँ से दूसरा चेकिंग, और यहाँ घाट पे भी हमने व्यवस्था की है। बिल्कुल, तो सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाते हैं क्योंकि लोक आस्था का ये पर्व है और लोगों का हुजूम बहुत ज्यादा एकत्रित होता है और खास ख्याल रखा जाता है कि कोई भी जो है इसमें इस रंग में भंग ना पड़े। कोलकाता का